सो प्लैप इज बेसिकली ओ एस सी विच इज़ ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है एक काइंड ऑफ पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये आपको इस चीज़ में जज करते हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है आपको 18 सिनेरियोस दिए जाते हैं या फिर आप कह सकते हो 18 पेशेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको हर पेशेंट के लिए 10 मिनट मिलता है ठीक है हर पेशेंट से डील करने के लिए आपको 10 मिनट्स मिलेंगे अब उसमें क्या है टेन मिनट्स में भी डिवाइड करो आप कि दो मिनट आपको सिर्फ रीड करने के लिए मिलेगा मतलब आप जब रूम में जाते हो तो आपको एंटर करना है रूम में ओके okay, पेशेंट विल बी ऑलरेडी देयर तो आपको एंटर करना होता है उस रूम में तो उस रूम के सामने ही उस पेशेंट की डिटेल्स रहेंगी सो so, टू मिनट्स विल बी गिवन कि आप उस चीज़ को पूरा रीड कर लो और फिर आप अंदर जाते हो तो फिर वो आठ मिनट जो बचा है वो आपके पेशेंट इंटरेक्शन आपके डायग्नोसिस और ये सब चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाता है अब ये एग्ज़ाम प्लैप टू जो है ये सिर्फ मैनचेस्टर में होता है ठीक है आप इसको कहीं और नहीं दे सकते इसके लिए आपको मैनचेस्टर में ही जाना पड़ेगा और मैनचेस्टर में भी सिर्फ दो ही सेंटर्स हैं इसके जहाँ पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो ठीक है अब अगर बात करें कि आपको चेक किस बेसिस पे किया जाता है तो यहाँ तीन एक्चुअली क्राइटेरिया या डोमेन्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको चेक किया जाता है सबसे पहला होता है डे दे, डेटा गैदरिंग टेक्निकल एंड असेसमेंट स्किल्स जो कि फोर मार्क्स का होता है ठीक है अब इसमें क्या होता है आप हिस्ट्री टेंगिंग कैसे कर रहे हो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कर रहे हो सारी चीज़ें ये सब इसमें आती हैं ठीक है ठीके? आपका ये सारे जो वर्क प्रोसेस आप करोगे ये सब इस फर्स्ट क्राइटेरिया में आता है सेकेंड आता है क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल्स मतलब आपका डायग्नोसिस क्या है आप क्या ट्रीटमेंट या क्या चीज़ प्रेस्क्राइब कर रहे हो ये सारी चीज़ें आती क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल्स में ठीक है ये भी फो मार्क्सेस में होते हैं ठीक अब नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैस ये होता है आपका बिहेवियर कि आपका पेशेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट कैसे किया आपने एंड कैसे किया थ्रू आउट द टाइम आप पेशेंट के साथ कैसे थे आ, आपका बॉडी uh, लैंग्वेज कैसा था ऑल थिंग्स कम्स इन इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक है तो ये भी फोर मार्क्स का होता है अब अगर हम बात करें प्लैप टू की तो प्लैप टू थ्रू आउट द ईयर होता है लेकिन आप ये एग्जाम सिर्फ तभी दे सकते हो जब आपका प्लैप वन का रिजल्ट आ गया हो ठीक है प्लैप वन का रिज़ल्ट आ गया अब तो उन्होंने प्लेप टू के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है अब अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्लैप टू इज 879 हंड्रेड सेवेंटी नाइन पाउंडस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू टू फर्स्ट अप्रैल टू ओके अब अगर बात करें रिज़ल्ट की कि रिज़ल्ट कैसे निकलते क्या होता है तो इसका रिज़ल्ट जो होता है वो विद इन फोर वीक्स में आ जाता है मतलब जब भी आपने एग्ज़ाम दिया उससे विद इन फोर वीक्स में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा ठीक है अब इसमें जो पासिंग मार्क्स है गैस वो वैरी करता है मतलब देखो इस क्यों ऐसा होता है मैं समझा रही हूँ क्योंकि जैसे हो सकता है एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है तो पर्सन ए को जो केसेस मिले हो सकता है कि वो हार्ड हों या फिर वो ज़्यादा क्रिटिकल हों और पर्सन बी को जो मिले वो ज़्यादा ईजी हों तो इस बेसिस पे हम दोनों के लिए सेम पासिंग मार्क रखें तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है तो दैट्स वाई सबके लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स होता है इवन सेंटर्स में भी अलग अलग पासिंग मार्क्स हो सकते हैं मतलब हो सकता है जैसे मैनचेस्टर में दो सेंटर है तो एक सेंटर में मान लीजिए अगर पासिंग मार्क्स है सिक्स तो हो सकता है दूसरी जगह में पासिंग मार्क्स हो टेन सो so ऐसा हो सकता है ठीक है तो पासिंग मार्क्स वेरी करते हैं अब ये आपको चेक क्या करना चाहते हैं ये आपकी एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू द टू द केयर ऑफ पेशेंट ये चेक करना चाहते हैं ठीक है ये आपको ये नहीं चेक करना चाहते कि आपको कितना चीज़ें याद है या आपने कितना चीज़ें आ... रट के आए हैं आप ये सब आपको नहीं चेक करना चाहते ये बस इतना जानना चाहते हैं कि आप पेशेंट के केयर के लिए कितना अच्छे से अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो ओके सो so गैज अब बात करते हैं प्रोसेस की कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं कैसे कैसे आप प्लेब वन प्लेब टू सारी चीज़ें दे सकते हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो यू नीड टू ग्रेजुएट ठीक है आप ग्रेजुएट हो गए मेडिकल कॉलेज से फिर उसके बाद आपको जो सेकेंड स्टेप देना है दैट इज़ या तो आप आई एल्स तो या ओ दो एग्ज़ाम हैं ये दोनों में से आप कोई भी दे सकते हो ठीक है इफ़ यू वांट कमेंट डाउन बिलो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए होगा ओके सो so, इसके जो रिज़ल्ट uh, uh, होते हैं वो टू इयर्स के लिए ही वैलिड होते हैं ठीक है गा तो आपको सोच समझ के ये एग्ज़ाम देना है कि सिर्फ दो साल तक आप इसके रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया फिर उसके बाद आप अपना इंटर्नशिप करो एक साल का जो इंडिया में होता है इंटर्नशिप आप उसको ख़त्म करो ठीक है अब एक साल का इंटर्नशिप अगर आपको प्लैप देना है तो मतलब पूरे थ्री सिक्सटी फाइव डेज होने चाहिए ना उससे एक दिन भी कम नहीं मतलब थ्री मंथ्स आपको मेडिसिन का होना चाहिए थ्री मंथ्स आपकी सर्जरी के होने चाहिए और सिक्स मंथ जो भी फील्ड में आप करना चाहो आप कर सकते हो आपके विश के ऊपर ठीक है तो आपका पूरा वन ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ का इंटर्नशिप ज़रूरी है अब वैसे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी यूके के मेडिकल सिस्टम के बारे में एक्चुअली वहाँ क्या होता है जब आप मेडिकल ग्रेजुएट हो जाते हो तो फिर आप फाउंडेशन ईयर या फिर हाउस जॉब करते हो ठीक है दैट इज इक्वल टू इंटर्नशिप एज़ वी डो इन इंडिया ठीक है तो यहाँ इंडिया में इंटर्नशिप वन ईयर का होता है लेकिन वहाँ पे फाउंडेशन ईयर या जो हाउस जॉब होता है वो कितने साल के लिए होता है टू ईयर्स के लिए होता है ठीक है अब आप उसको करने के बाद आप थ्री वेज है जिससे आप आ, अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ब्रांच कि आप क्या ब्रांच लेना चाहते हो ठीक है अब सबसे पहला स्टेप होता है सी देन एस ठीक है सी यानी कोर ट्रेनिंग ठीक जो कि टू इयर्स का होता है ठीक फिर उसके बाद आप एस टी करते हो दैट इज़ स्पेशलिटी ट्रेनिंग जो कि सिक्स इयर्स का होता है अब आप ये करने के बाद एज अ ट्रेनर वर्क करते हो इसमें ठीक है आप एज अ कंसल्टेंट नहीं वर्क कर रहे हो यहाँ पे एज आप ट्रेनर वर्क कर रहे हो अब आप ये कब करते हो जब आपको मेडिसिन में जाना होता है या सर्जरी में या सकेटरी ये तीनों ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे सी uh, टी फिर एस टी करते हो तो डैट इज़ टोटल एट ईयर्स आपको यहाँ पे लग जाते हैं दूसरा एक तरीका ये होता है रन थ्रू ट्रेनिंग ठीक है ये भी एट ईयर्स का ही प्रोग्राम होता है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे आप एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं ठीक है नॉट एज अ ट्रेनिंग बट ये कौन कौन से ब्रांच के लिए होता है पीडियाट्रिक्स और न्यूरोसर्जरी एंड रेडियोलॉजी तो ये सारे ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आप रन थ्रू ट्रेनिंग कर सकते हो ये भी एट ईयर्स के लिए होता है लेकिन यहाँ आप कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हो नेक्स्ट आता है जी पी एस टी ठीक है ST, अब जी पी मतलब होता है जनरल प्रैक्टिशनर और एस टी स्पेशलिटी ट्रेनिंग अब यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन uh, चूज़ करते हो तो ये थ्री ईयर्स का होता है ठीक है अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कंसल्टेंट बन जाते हो ठीक है लेकिन ये सिर्फ कौन से ब्रांच के लिए फैमिली मेडिसिन अगर आपको फैमिली मेडिसिन में जाना है तभी आप ये कर सकते हो ठीक है नहीं तो आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखता सो दैट्स ऑल ये आपको समझना ज़रूरी था तो अब आप वापस आ जाते हैं यहाँ पे तो आपने इंटर्नशिप फिनिश की एक साल की आपकी इंटर्नशिप फिनिश हो गई जो कि वहाँ पे दो साल का फाउंडेशन ईयर होता है अब उसके बाद आप बनाओगे जी अकाउंट डैट इज जनरल मेडिकल काउंसिल जो पूरे प्लेब को मॉनिटर करती है उनके वेबसाइट पे आप जाओगे और वहाँ पे एक अकाउंट बनाओगे जी अकाउंट ठीक है आफ्टर दैट आप प्लेब वन दोगे आ, अच्छा जी अकाउंट में आपको अपने आ, जो भी मेडिकल डिग्री पासपोर्ट ऑल दिस थिंग्स आपको वेरीफाई कराना होगा ठीक है उसके बाद आप प्लेब वन दोगे प्लेब वन जहाँ भी आप चाहो आप वहाँ दे सकते हो फिर आप आफ्टर प्लेब वन आपका अगर रिजल्ट आ जाता है आप उसमें पास हो जाते हो तो आफ्टर दैट आप प्लैप टू दे सकते हो ठीक है अब प्लैप टू के लिए आप क्या करो बेटर उसके लिए जब आप प्रिपेयर करते रहोगे तो आप ये क्या ये जो है ना आप प्लैप वन के रिज़ल्ट के दो साल के ड्यूरेशन में आपको देना है ठीक है प्लैप टू प्लेव वन के दो साल के ड्यूरेशन में आपको प्लेब टू देना है ठीक है तो अब मान लो आप उस दो साल में प्रिपेयर करो तो इट्स बेटर कि आप वहाँ जाके यूके में जाके भी एक बार मतलब ट्रेनिंग कर लो बहुत सारे एकेडमीज होते हैं जो कि ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप वहाँ जाके आ, एक बार ट्रेनिंग ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है आ, मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी जहाँ से आप ये सारी डिटेल्स गैदर कर सकते हो ओके सो so, प्लैप टू अब दो फिर वहाँ पे अब जैसे ही आपका प्लैप टू हो जाता है और आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको एक जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ठीक है फिर आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अब जॉब में यहाँ दो टाइप के होते हैं एन और एन अब एन जो होता है वो होता है गवर्नमेंट जॉब जो कि मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं एंड एन जो होता है वो प्राइवेट जॉब होता है ठीक है अब इसके बाद आप अपना सी करते हो सीटी डाटा ऑफ टू इयर्स और ये पूरा प्रोसेस जो अभी मैंने समझाया है ये आप कर सकते हो ठीक है अब अगर बात करें वर्किंग आवर्स की कि सीटी और ये सब टाइम पे आपके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं सो दैट इज़ फोर्टी टू फोर्टी एट आवर्स पर वीक ठीक है so, मतलब पूरे वीक में फोर्टी से फोर्टी एट आवर्स तक के मैक्सिमम आप काम कर सकते हो नाइट शिफ्ट या वर्किंग ओवर नाइट को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो ठीक है अब सैलरी की अगर हम बात करें करेंगे तो सिर्फ बेसिक सैलरी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर टॉप सैलरी नहीं बता रही मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूँ ठीक है अब एक सी टी दैट इज़ को ट्रेनर की सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है और ट्वेंटी पाउंड्स ठीक है एंड इट कैन गो अप टू थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव पाउंड्स तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लो ये कितना होता है ओके विच इज़ वेरी हाई तो आप समझ लो एक कोर ट्रेनर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है फिर अगर हम बात करें एस टी डैट इज स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट ट्रेनर यू कैन से तो इसकी सैलरी होती है थर्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी सेवन पाउंड्स टू फिफ्टी थ्री थाउजेंड सेवेंटी सेवन पाउंड्स ठीक है इतनी ये जो सैलरी है ये सब बेसिक सैलरीज है ना फर्स्ट फर्स्ट ईयर की और ये लाइक जैसे एस कितने साल का होता है पूरे टोटल सिक्स ईयर्स का होता है ठीक है तो ये आप समझ लो कि ये फर्स्ट ईयर में इतनी सैलरी हो सकती है ठीक है और एंड एंड ईयर्स तक आते आते तक ये फोर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर पाउंड सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटीन पाउंड्स तक हाई जा सकती है ठीक है सो जब आप एज अ स्पेशलिटी ट्रेनर वर्क करते हो तो इतना आपका बेसिक होता है मतलब मिनिमम वेज आपके इतने होते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें कंसल्टेंट अगर आप एज अ कंसल्टेंट हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है एटी टू थाउजेंड नाइन्टी सिक्स पाउंड्स एंड इट कैन गो वन लैख टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी थ्री पाउंड्स ओके सो इतना हाई होता है एक कंसल्टेंट का वेजेस वहाँ पे दैट्स वाई मोस्टली लोग कंसल्टेंट ही बनना चाहते हैं एंड अगर हम एक जनरल प्रैक्टिशनर की बात करें तो उसके वेजेस होते हैं सिक्सटी थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव पाउंड्स टू नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी एट ठीक है सो आफ्टर कंसल्टेंट जी पी इज द बेस्ट ऑप्शन देन एस टी एंड देन सी टी ओके सो अब ये सारी चीज़ें जो थी ये मिनिमम वेजेस थी ठीक है एंड इसमें अभी भी एक्सक्लूड है 37% परसेंट जो कि लोग अर्न करते हैं फ्रॉम नाइट शिफ्ट ठीक है एक्स्ट्रा नाइट आवर्स में काम करके जो वो कमाते हैं वो 37% परसेंट वो इंक्लूड करता है फिर आप जो एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करते हो मतलब पूरे uh, 40 टू फोर्टी एट जो आपको वीक में मिलते हैं आप उससे अगर ओवर वर्क करते हो तो भी ये थर्टी सेवन परसेंट आपके सैलरी में ऐड हो जाता है फिर अगर अवेलेबिलिटी अलाउंस जो होती है अगर आप उस चीज़ के लिए भी अलाउ कर देते हो तो भी आपकी सैलरी थर्टी सेवन परसेंट इंक्रीज हो जाती है इसमें क्या होता है मतलब आपको कोई भी एमरजेंसी में आपको कॉल किया जा सकता है ओके okay, आप इस चीज़ के लिए अलाउ करते हो तो इस चीज़ में भी थर्टी सेवन परसेंट आपकी सैलरी बढ़ जाती है ठीक अब गई ये सारी चीज़ें हैं अब आप आपको मैं कुछ लिंक्स बता रही हूँ आप उसमें जाके चेक कर सकते हो और कुछ डिटेल्स हो नहीं तो अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो लाइक फर्स्ट लिंक जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ जी एम सी यू के डॉट ओ आर जी ये मेन लिंक है उनकी ठीक है यहीं पर रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें होती है तो ये मेन जी एम सी के लिंक है सो एवरी थिंग विल बी लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ फिर पेशेंट डॉट को डॉट यू के ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज और प्लेप टू के बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी ऑल्सो गईज मैं आपको एक YouTube चैनल सजेस्ट करी डैट इज़ जी एम सी इल्फ ठीक है आप वहाँ पे जाके एक वीडियो देख सकते हो डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जी एम सी प्लेब ओ एस सी ई ठीक है आप उस वीडियो को देखो इट्स ऑल अबाउट प्लेप टू कि कैसे वहाँ पे प्लेप टू कंडक्ट किया जाता है मैनचेस्टर में सेंटर्स में ओके